हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ भाई। इस वाली गाड़ी का जो आपको ऑरेंज वाली गाड़ी दिख रही है, इसके मैंने ओनर से प्रीव्यू से ट्रोइन गाड़ी है, वो मैंने उसके काफ़ी सारी वीडियोस डाली हुई हैं, ड्रैग रेस वगैरह। आप जाके नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं एक टाटा की एक ऐसी गाड़ी लेके आया हूँ भाई आपके बीच, जो गाड़ी ना थोड़ी सी रोड पर ना थोड़ी कम दिखती है, कम दिखते हैं मतलब समझ रहे हो। इस गाड़ी की तरफ ना कोई जाता नहीं है यार इस प्राइस रेंज में ना, मतलब वो उसके पास ऑप्शन थोड़े से खुल जाते हैं कि हाँ भाई मैं इस गाड़ी को ना लेके ये ले लेता हूँ। तो आज हम टाटा की एक वो वाली गाड़ी लेने वाले हैं, मतलब जो मेरा भाई अगर टाटा टिगोर अगर लेना चाहता है तो उसके भाई के सारे डाउट्स इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम इसका एक ऑनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं। तो सबसे पहले बिना देरी किए अपने भाई को बुलाते हैं जिसकी ये गाड़ी है। ओनर साहब आ जाओ, कैमरे के आगे आ जाओ। क्या हाल है भाई के? थोड़ा अपना इंट्रो बता दीजिए, अब इंट्रो हो जाए थोड़ा ऊंची आवाज में। मेरा नाम देवेंद्र है। गाड़ी कौन सी अपनी? ये टाटा टिगोर। कब ली थी? 2021 में ली थी, नवंबर में। 2021 नवंबर, मतलब आपने सेल्टोस और ये एक साथ ली थी क्या? भाई ने, भाई का सेल्टोस का रिव्यू भी मैंने किया हुआ है, वो आपको आई बटन में ली थी। पहले ली थी वो वाली, उसके बाद ये ली। अच्छा, मतलब मैं एक चीज जानना चाहूंगा पर्सनली, मेरा क्वेश्चन ये है, सेल्टोस भी आपने तभी ली थी और ये भी तभी ली, तो ऐसा मतलब क्या काम है बंदा जो मतलब 6 महीने के अंदर दूसरी गाड़ी ले आता है? क्या काम करते हो भाई ऐसा आप? नहीं। कुछ नहीं। ऐसा कोई काम नहीं है। मतलब वो ये वाइफ के लिए ली थी, वो मैंने अपने पर्सनल। अच्छा 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 अच्छा, वाइफ की गाड़ी, वाइफ की। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा एक जो बात मेरा, देखो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, टाटा टिगोर क्यों ली थी आपने? मतलब काफ़ी सारे मारुति की काफ़ी सारी गाड़ियां आती हैं सीएनजी में, और भी होंडे की और वगैरह काफ़ी सारी गाड़ी हैं, तो ये सीएनजी में क्या लेने का मतलब था टाटा की गाड़ी का? टाटा टिगोर और टाटा होंडे और आ रहा है, ये दोनों हाँ। का कंपैरिजन होता है। मैं पहले होंडे की गाड़ी यूज करता था, ग्रैंड आई टेन। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा स्विच करना था, कंपनी चेंज करनी थी की, तो मैं यूज ही कर चुका था, डीजल में थी वो गाड़ी। तो मैंने सोचा कि अब के टाटा यूज करते हैं, थोड़ा देश का ब्रांड है। नहीं ऐसा ये होता है ना अक्सर, जो पेरेंट्स की फर्स्ट चॉइस होती है वो अक्सर या तो वो हुंडई बोलेंगे या फिर बोलेंगे मारुति। अगर टाटा जैसी थोड़ा सा ना वो होता है कि हाँ भाई टाटा, मारुति तो मेरी कभी भी चॉइस बेचती कभी भी नहीं। क्यों भाई मारुति क्यों नहीं है? मारुति की कोई बिल्ड क्वालिटी नहीं है। अच्छा, नॉर्मल सेगमेंट की गाड़ियां बनाती है। नॉर्मल सेगमेंट की? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर आप देखो तो अब थोड़ी मतलब ठीक ठाक गाड़ी आ रही हैं, जैसे अर्बन क्रूजर नहीं, थोड़ी विटारा ब्रेजा हो गई। तो आप उस सेगमेंट में क्यों नहीं गई? थोड़ी ये भी है, थोड़ी ऊंची की गाड़ी भी है इनका ना, थोड़ा सा आप भी देखते होगे कि टिगोर थोड़ी कम ही देखने को मिलती है रोड पे। कम देखने को मिलती है, बट बहुत पावरफुल सॉलिड गाड़ी है। पावरफुल आप, वो तो टाटा का लोहा है भाई, टाटा का लोहा है इसमें। अच्छा, ऑन रोड कितने की पड़ी थी? मेरा वैसे हमेशा से माइंडसेट क्लियर रहता है, मतलब मैं बस एक बार डिसाइड कर लिया कोई सा और वहीं जाता हूँ मैं, फिर 10 शोरूम पे चक्कर नहीं लगाता। मैं टाटा की सबसे पहले एल्ट्रोस देखने गया था। अच्छा, या तो वो लेता या फिर ये। तो एल्ट्रोस में थोड़ा कलर का चक्कर पड़ रहा था, कलर वाला नहीं मिल रहा था टाइम पे, मेरे को वाइट कलर चाहिए था, वाइट नहीं मिल रहा था। ये देखी तो ये भी मेरे को ठीक लगी गाड़ी, वाइट कलर में। इसकी जो आउटर लुक है, एक्सटीरियर बहुत अच्छा लगता है देखने में। पीछे आ जाओ आप, पीछे। हाँ सेडान तो है ही, वो हैचबैक में थी। हाँ एल्ट्रस जो आती है उसकी। ये वाला जो पोर्शन है काफी अट्रैक्टिव है। अच्छा फिर इसका सीएनजी वाला, ये पेट्रोल में है ना अपनी? सीएनजी बाद में है, सीएनजी बाद में आया, टाइम पे आ नहीं थी कंपनी पे। अरे भाई कोई नहीं। अच्छा उस टाइम पे नहीं आई थी जब आपने गाड़ी ली थी? अदरवाइज फिर सीएनजी लेता, मतलब फिर तो इसकी एवरेज भी कमी होगी इस वाली गाड़ी की। एवरेज इसकी 17-18 है यदि लॉन्ग पेट्रोल में तो। हाँ अच्छा, और सिटी में 13-14 के आसपास निकाल देती है आराम से, 13-14 के आसपास। सही है सही है। अच्छा और मतलब गाड़ी तो सही लगी। अच्छा एक बार ना इसके अंदर बैठ के बात करते हैं, अंदर बैठते हैं भाई के साथ, एक बार देखो कुछ इस तरह के इसके इंटीरियर वगैरह दिखता है आपको। इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बताऊंगा अभी ड्राइव करके ऑटोमेटिक गाड़ी का। तो भाई इंटीरियर तो मतलब ठीक है, प्रीमियम सा है, कुछ इसका इंटीरियर तो लग ही नहीं रहा जैसे टाटा की गाड़ी है, और ऊपर से हामन का आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है। हाँ म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है इसका। अच्छा सुन के थोड़ा अच्छा लगता है इसमें। कहीं लॉन्ग रूट पे गए हो तक आप इस गाड़ी से?
कहीं जैसे मतलब 200-300 किलोमीटर चलाई हो कंटिन्यू। मैंने ये मैं गया था शनिदेव गया था। शनिदेव मतलब वो 160 किलोमीटर 160-170 के किलोमीटर के आसपास चलाई है। कैसी है गाड़ी कंफर्टेबल वाइज? कंफर्टेबल है यार गाड़ी, मुझे तो कंफर्टेबल लगती है, अच्छी लगती है। हाँ। अच्छा कुछ ऐसे इसमें पॉजिटिव बताओ जो आपको थोड़े से हाँ भाई ये गाड़ी में ये चीज मेरी गाड़ी में है जिससे आप खुश होते हो देख देख के? यार इसको चलाना कंफर्टेबल है बहुत मुझे। मतलब सेल्टोस को चलाते हो? हाँ, सेल्टोस फिर भी थोड़ा सा बड़ी गाड़ी है इससे। हाँ, वो ये इसको कहीं से भी ये कॉम्पैक्ट गाड़ी है, इसको कहीं पे भी मार्केट में कहीं पार्किंग कर सकते हो आराम से, कहीं निकल जाएगी छोटी जगह से भी। हाँ, ये बात तो है, ये बात तो है। हाँ। अच्छा आप पॉजिटिव के बात आते हैं नेगेटिव्स। नेगेटिव क्या क्या लगते हैं आपको इसमें? नेगेटिव थोड़ा साउंड है, साउंड मतलब बाहर का साउंड, बाहर इंजन का आवाज आती है थोड़ी अंदर कैबिन में। वही है ना छोटा इंजन है ऊपर से ऑटोमेटिक है ना, थोड़ा सा ये। और मुझे लगता है कि टाटा की हर गाड़ी में ज्यादातर थोड़ा सा नॉइज़। नहीं नहीं वो हैरियर में भी है, सफारी में भी, वो तो सभी में आता है। रिफाइन इंजन नहीं देती टाटा ना अपनी थोड़ी सी, मतलब ये होता है। एक दो चीजें और है जैसे यहाँ पे ये पूरा दिख रहा है, सामने से दिख रहा है। अच्छा ये हाँ दिख रहा है, वही चीज फिट एंड फिनिश नहीं है एक तरह से, फिनिशिंग थोड़ा सा वो है चाह रहा है। मतलब भाई कहीं तो दिखाएगी टाटा भाई अपनी इंडियन ब्रांड है तो कहीं तो थोड़ा सा वो वीक पॉइंट छोड़ेगी। अच्छा कुछ और चीज और जो आपने फील किया हो? बैक साइड में वो नहीं है यार, जो एसी का वेंट होता है ना वो नहीं दिया हुआ है इसमें। ऑन रोड कितने की पड़ी थी ये? पड़ी थी 8.5 के आसपास पड़ी थी मुझे। अब फिर तो वो कहीं देगी टाटा वो 8.5 लाख रुपए में पीछे एसी वेंट्स वगैरह तो मुश्किल ही है टाटा तो नहीं। दो एयर बैग्स है हाँ। ड्राइवर का और साइड पैसेंजर का। अच्छा एसी वगैरह कैसा है इसका? एसी ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है एसी, कोई वैसे प्रॉब्लम तो नहीं आई अभी तक तो। अच्छा मेन चीज आती है भाई अपनी डिलीवरी के टाइम पे कैसा एक्सपीरियंस था आपका टाटा कंपनी के साथ? अक्सर ना आप कभी भी यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, टाटा जो कंपनी है ना वो मतलब एक बार गाड़ी दे दी बस फिर अपना ना कस्टमर का ये रहता है भाई थोड़ा सर्विस का इशू रहता ही है जब तक आप टाटा की गाड़ी यूज करोगे ना, या तो आपके सुनेंगे ही नहीं वो। मेल डालते रहो भाई रतन टाटा जी को आप ये और वो। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, इवन मैंने काफी सारे का सीधी रतन टाटा को मेल डाल सीधा। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था जब आपने डिलीवरी ली थी इसकी? यार मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मैं तो मतलब इनफैक्ट एक दिन पहले ही सारे पेपर्स कर आया था सारे फाइनल। और नेक्स्ट डे दोपहर तक मुझे गाड़ी मिल गई थी 2 बजे के आसपास तक। अच्छा हाँ बट ऐसा कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है क्या बोलते हैं हाँ मतलब जैसे बेकार वो होता कि हाँ बहुत ज्यादा बेकार एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकते यार ठीक ठाक था। अच्छा आप जैसे डिलीवरी चला कितने दी आपने? ये 16,065 लगभग किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। इसकी तीसरी सर्विस हुई है, तो इसकी सर्विस जो हुई थी तीसरी हो गई। हाँ हाँ उसका क्या एक्सपीरियंस था, कितने की हुई थी वो? यार वो तो बहुत सस्ती हो गई, फिर भी वो तो 3,500 रुपए की होगी बस 3,500 में। इतने में तो बाइक की होती है सर्विस। यही तो मैं सरप्राइज था देख के बिल को। अच्छा जी कि 3,500 में यार सर्विस हो गई, इंजन ऑयल वगैरह सब चीज फिल्टर वगैरह एसी फिल्टर जो भी हाँ। अरे वाह 3,500 में सर्विस होगी, मैं तो सरप्राइज था। मैंने कहा 7,000-8,000 तो कम से कम हर गाड़ी का बिल आता है। अच्छा एक जो वो होता है ना क्या पूछ रहा था मैं जैसे 16,000 लगोगी अपनी गाड़ी चल गई है तो मतलब आपने इतनी मतलब 16,000 ना ठीक ठाक किलोमीटर रहते हैं है ना, तो मतलब ऑटोमेटिक गाड़ी है अपनी तो मतलब इसमें मतलब पता चलती होगी ना कब गाड़ी गियर चेंज कर रही है, इतना रिफाइंड इंजन नहीं होगा ना, मतलब झटके तो मारते होगे 110%। इसमें क्या है ना कि आपको जो गियर शिफ्ट होते हैं 1-2, 2-3 ऐसे शिफ्ट होता है तब पता चलती है कि हल्का सा जैसे आप क्लच दबाते हो मैनुअल में, जैसे आप हल्का सा क्लच दबाते हो रेस गियर शिफ्ट करते हो तो आपको एहसास होता है। सेम तरीके से इसमें भी थोड़ा फील होता है कि गियर शिफ्ट हो रहा है कि बस
है गाड़ी ऑटोमेटिक पे पता चलता है, पता चल जाता है कि गियर शिफ्ट हो रहा है, बट सेल्टोस के केस में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता चलता, एकदम से स्विच होता चला जाता है। ऑटोमेटिक लेने का क्या होता है, मैनुअल ले लेते इससे अच्छा थोड़ा सा पावर तो मिलती गाड़ी में अपना, मैनुअली चेंज कर दो, ऑटोमेटिक पे ना भरोसा नहीं करता। दोनों केसेस चलते हैं वैसे, और ऐसी कुछ कॉस्ट कटिंग क्यों, इतना हल्का सा वो दे रखा है एन और ए पता नहीं क्या, ये देखना सेल्टोस में तो वो काफी सारे फंक्शन देखने के लिए मिल जाते होंगे, इसमें तो देखना भाई क्या है यार। अब 8.5 लाख रुपए में पता नहीं, अब बच्चे की जान थोड़ी ना लेंगे, इतना भी दे रखा है तो भी बहुत है। अच्छा एवरेज कितने की देती है अपनी टिगोर? टिगोर देती है करीब 12-12.5 की दिखा रही है, 12.4 एवरेज तो ज्यादा नहीं है इसकी, 12.24 दिखा रही है, एवरेज तो ज्यादा नहीं है इसकी। तो ये तो अभी चल के आई है ना वहां से, उस पे थोड़ा लॉन्ग रूट चलेगी, थोड़ा 10-5 किलोमीटर चलेगी तो मतलब हाईएस्ट कितने की निकाल रखी है आपने? ये इसमें हाईएस्ट मेरे हिसाब से जब हम गए थे वहां पे ना, शनिदेव गए थे उस टाइम पे 16-17 के आसपास निकाल दी थी यार, 15 तो मैंने उसकी देखी, 15.5 तो सेल्टोस की देखी थी, तो उससे तो बेहतर ही निकालती है, 17-18 पेट्रोल में है ना, कंपनी 19 क्लेम करती है पेट्रोल पे, 19 ऑटोमेटिक पे, मैनुअल तो यार अपने हाथ में रहता है ना, वो अपने हिसाब से ऑटोमेटिक पे वैसे भी 1 पॉइंट कम ही देती है ना एवरेज। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, मैनुअल तो अपने हाथ में रहता है कब गियर चेंज करने है कब नहीं, ऑटोमेटिक तो सब चीज इंजन पे डिपेंड हो जाती है। अच्छा मेन चीज लास्ट में बात आती है, आप अगर आपके पास आज 8 लाख रुपए होते तो आप कौन सी गाड़ी लेते, टिगोर को छोड़ के? टिगोर को छोड़ के या फिर आप टिगोर ही लेना पसंद करते, अगर आपके पास थोड़ा सा ना वो थोड़ी सी लिस्ट हो कि आप और भी ले सकते हो? सैटर्न C3 खड़ी है एक सबसे बढ़िया आपके पास, जो नई कंपनी आई है अपने सैटर्न की C3 वाली, तो आप इनकी तरफ जा सकते हो नहीं जा सकते, फिर टाटा ही लेनी है आपको टिगोर? टाटा ही बेहतर है मुझे लगता है। ऐसा क्या है आपको टाटा से लगाव, समझ नहीं आ रहा मुझे, टाटा से नहीं है अच्छा देश की कंपनी है टाटा, देश की कंपनी है। तो यही था मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस, अपने देवेंद्र भाई ने अपना बहुत बहुत कीमती टाइम निकाल के जॉब छोड़ के आए थे आज ओनरशिप रिव्यू देने के लिए। तो गाइस वीडियो देखने में धन्यवाद, थैंक यू सो मच।